तो अगर आपने रिसेंटली एक नया कैमरा लिया है, चाहे वो कैनन का हो, नाइकन, सोनी, फूजी, ब्रांड से मतलब नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसी कैमरा सेटिंग बताने वाला हूं जिनको आप यूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ को और बेटर कर सकते हो, अपनी कैमरा का कंट्रोल ले सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है ना कि यार इतना पैसा लगा के भी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही, वीडियोज़ बढ़िया नहीं आ रही, तो शायद ये जो सेटिंग्स हैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और आपका जो शूटिंग टाइम है, जो एफर्ट है, जो आप कंपोजिशन में देना चाहते उसको इंप्रूव कर सकता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप जो भी फोटो कैप्चर करते हो ना, आपका सेंसर कैप्चर करता है। और यहां से ही पहली टिप आती है एस्पेक्ट रेशियो की। और एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली डिफाइन करता है जो आप फोटो लेने वाले हो ना, उसका ओवरऑल रेजोल्यूशन कितना होगा, उसमें कितने पिक्सल्स कैप्चर होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वो किस एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर होगी। तो अगर आप देखोगे आपके कैमरा में, आपको कुछ बेसिक ऑप्शन मिलेंगे। एक है 1:1, 4:3, 16:9 और 2:3 या 3:2। तो नॉर्मली जो आपका सेंसर होता है वो 2:3 के एस्पेक्ट रेशियो में होता है। तो अगर आपको फुल यूज करना है अपने सेंसर का, आई वुड एडवाइस आप 2:3 या 3:2 जो भी मेंशनड होता है उस एस्पेक्ट रेशियो में अपने कैमरा को रखो। बट मान लेते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली 16:9 में शूट करना है, कि आपको जैसे हम थंबनेल शूट करते हैं ना, तो हम 16:9 में डाल देते हैं, बिकॉज उससे आपको खींचते ही आइडिया लग जाता है कि आपकी फोटो फाइनल यूज केस में कैसे दिखेगी। क्रॉप करना है तो आप 1:1 में ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2:3 मैं एस्पेक्ट रेशियो अपना रखो, सो दैट आप पूरे सेंसर का यूज ले सको। बाद में आपको जो भी क्रॉप करना है 16:9, 4:3, वो आप अपने हिसाब से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। दूसरी सेटिंग जो आपको चेंज करनी है वो है आपका इमेज फॉर्मेट। आपको नॉर्मली दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है जेपेग, दूसरा है रॉ का। अब नॉर्मली जो मैं यूज करता हूं, मेरा रॉ प्लस जेपेग रहता है, तो मैं जो भी एक फोटो खींचूंगा ना, एक रॉ फाइल आएगी, एक जेपेग फाइल आएगी। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं किसको कैसे यूज करना चाहता हूं। तो मेरा रूटीन क्या रहता है, मान लेते हैं मैं शूट करके आया, मुझे कोई ऐसी फोटो चाहिए जो मुझे अभी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है, तो मैं लूंगा जेपेग वाली फोटो, उसको जल्दी से थोड़ा चेंज करके डाल दूंगा। बट वही अगर मुझे एक ऐसी फोटो चाहिए जिसको मैं अच्छे से एडिट करना चाहता हूं, मैं कोई कमर्शियल शूट करके आया हूं, तो वहां पे मैं रॉ वाली फाइल को लूंगा, उसको अच्छे से प्रोसेस करूंगा और फिर उसको डिलीवर करूंगा। तो यहां पे ये समझना जरूरी है कि अगर आप सिर्फ जेपेग फॉर्मेट यूज कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना आपको रॉ फाइल नहीं मिलेगी। जस्ट फॉर योर नॉलेज, जो रॉ फाइल होती है ना, उसमें काफी ज्यादा डायनामिक रेंज होती है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, देखने में थोड़ी डिसैचुरेटेड फीकी सी इमेज लगेगी, बट उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो जेपेग से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको एक ऐसी फाइल चाहिए जिसको आप अपने हिसाब से प्रोसेस कर सको, तो आप रॉ में शूट कर सकते हो, जेपेग फाइल को आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेंटली यूज़ करने के लिए। तो मेरा सजेशन ये होगा रॉ प्लस जेपेग पे रखो एंड ईजिली अपना शूट कर सकते हो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे मैंने देखा है कई बिगिनर्स को स्ट्रगल करते हुए, जेपेग में ना आपको ये काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं, L, M, S1, S2, ये सारी। तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे L जो हाईएस्ट आपको एस्पेक्ट रेशियो दे रहा है ना, वो वाला सेलेक्ट कर लो। इसका मतलब होता है लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो आपको जो जेपेग में फॉर्मेट है उसको लार्ज पे रखना है। अब अगर आप अपने कैमरा के साइड में व्यू फाइंडर के साथ में देखोगे ना, एक आपको हल्की सी नॉब दिखेगी, इसको डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर का सिंपल सा यूज है, जैसे मेरा चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं चश्मा उतार के अगर मैं मान लेते हैं शूट कर रहा हूँ, तो नॉर्मली जब फोटो फोकस में होगी ना, तो भी मुझे ऐसा लगेगा हल्की सी ब्लर है, क्योंकि मेरा एक नंबर है आंखों में। तो डायोप्टर से क्या है, आप सिंपल सी चीज़ है, आप कहीं पे भी फोकस करो, कैमरा आपको एक बीप का साउंड देगा, मतलब फोकस हो चुका है। अब आप डायोप्टर को हल्का सा लेफ्ट राइट मूव करके ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और जहां आपको लगे हाँ आपको चीजें फोकस में दिख रही हैं, उसका मतलब है कि आपने डायोप्टर सही सेट कर दिया। और कई बार होता क्या है, कैमरा को बैग में डालते निकालते ना डायोप्टर थोड़ा हिल जाता है, तो ये भी होता है कि अगर आपको चश्मा नहीं भी लगा तो भी आप सोचोगे यार फोकस तो हो रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कि आपका डायोप्टर हिल गया हो। तो बेटर यही है, कभी आपको ऐसा लगे कि फोटो आपको ब्लर दिख रही है, तो हो सकता है डायोप्टर आपका हिल चुका हो। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप पेड असाइनमेंट या कमर्शियल शूट करते हो। अब कई कैमराज में ना आपको डबल कार्ड स्लॉट मिलते हैं, जैसे इस कैमरा में दो कार्ड स्लॉट्स हैं, तो इसका बेस्ट यूज ये है कि आप, हो सकता है कि आप दो कार्ड वाला कैमरा यूज कर रहे हो, आप दो कार्ड डाल भी रहे हो, बट आपको एक चीज सेटिंग में जाके एनेबल करनी है, जो कि है यूज सेकेंड कार्ड फॉर बैकअप। अब इसमें क्या होगा, आप जो भी फोटो या वीडियो कैप्चर करोगे ना, आपके दूसरे कार्ड में उसका एग्जैक्ट बैकअप कॉपी बन जाएगा। तो मान लेते हैं एक कार्ड आपका गिर जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है, या शूट करते हुए किसी ना किसी रीजन से करप्ट हो जाता है, तो आपके पास एक डुप्लीकेट कॉपी रहेगी जिसको आप एज अ बैकअप या सेफ कॉपी यूज कर सकते हो। अब मैंने ये देखा है कि कई लोग जो नया नया कैमरा लेके आते हैं ना, तो जैसे ही शूट कर रहे होते हैं एक बीप का साउंड आता है जब हाफ बटन फोकस
फोकस करते हैं, उसको हम बेसिकली ये बोलते हैं AF असिस्ट बीप। तो उस सेटिंग को आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफ कर दो, बिकॉज देखो जब आप फोकस करोगे तो नॉर्मली आपको पता लग जाता है, हल्का सा बीप तो आता ही है, बट ऑटो फोकस असिस्ट बीप में क्या होता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती है और कहीं ना कहीं आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हो सकता है आप शूट कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि लोग अवेयर हों कि आप कुछ फोटोज़ ले रहे हो, तो बेटर है आप AF असिस्ट बीप को ऑफ कर दो। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है, बट मेरे साथ कई बार शुरू में होता था कि कार्ड नहीं डाला, ठीक है, उसके बाद भी आप फोटो ले रहे हो, आपको प्रीव्यू में फोटोज दिख रही हैं कि हाँ भाई आप फोटोज कैप्चर कर रहे हो, घर आके आपको रियलाइज होता है कि भाई आपने कार्ड तो डाला ही नहीं और फोटो कहीं स्टोर ही नहीं हुई। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिसेबल अलाउ शूटिंग विदाउट मेमोरी कार्ड। इससे क्या होगा, अगर आप फोटो क्लिक भी करोगे ना बिना मेमोरी कार्ड के, कैमरा कैप्चर ही नहीं करेगा, क्लिक ही नहीं होगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके कार्ड नहीं है कैमरा में, और इसका मतलब है कि आपको अपना कार्ड कैमरा में डालना है फोटोज लेने के लिए। अब आई एम श्योर आपने अपनी फोटोज में कई बार ये रियलाइज किया होगा कि यार जब लो लाइट होती है, लाइट कम होती है ना, तो फोटो में नॉइज बहुत ज्यादा आता है। अब नॉइज या ग्रेन्स आप जो भी बोलना चाहो, उसका मेन रीजन होता है आप अपने कैमरा में ISO वैल्यू कितनी डाल रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन दूंगा, सारे प्रोफेशनल मोस्टली ये सेटिंग्स डाल के रखते हैं कैमरा में, आप अपने ISO को लिमिट कर सकते हो, मैक्सिमम ISO को। तो आपको सेटिंग में जाना है, आपको मैक्सिमम ISO लिमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब कैमरा टू कैमरा डिपेंड करता है, अगर आप एक एंट्री लेवल कैमरा यूज कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा आप 1600 पे डाल दो। अगर आप एक हाई एंड कैमरा फुल फ्रेम यूज कर रहे हो, आप उसको 3200 या 6400 पे इजीली रख सकते हो। उसमें क्या होगा, आपका जो कैमरा है उस मैक्सिमम वैल्यू ISO के ऊपर नहीं जाएगा, तो आपकी जो ISO वो कंट्रोल रहेगी और आपकी फोटो में नॉइस इजीली नहीं आएगा। अब बात करते हैं फोकसिंग की, बिकॉज मुझे आप में से काफी लोगों के कमेंट्स या DM आते हैं कि हम महंगे से महंगा कैमरा लेंस ले रहे हैं, जब हम फोकस करते हैं ना तो सब्जेक्ट फोकस में नहीं आता, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको एडजस्ट करनी है, और वो होती है फोकस ड्राइव मेथड। तो कहीं कैमरा में AFS AFC होता है। अब कैनन में आपको दो ऑप्शंस मिलती है, वन शॉट और AI सर्वो, बट बाकी कैमरास में फूजी, निकॉन, सोनी, इन सब में आपको AFS और AFC का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, वन शॉट या AFS में क्या होता है, जब आप हाफ शटर बटन प्रेस करते हो ना, फोकस लॉक हो जाता है एक डिस्टेंस पे, उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट आगे पीछे मूव हो गया, कैमरा आगे पीछे मूव होगा, आपका फोकस डिस्टेंस लॉक्ड रहेगा। तो मान लेते हैं आपका फोकस 1 फीट के डिस्टेंस पे हो गया, आपने हाफ शटर बटन प्रेस किया हुआ है, अब आपका सब्जेक्ट अगर आगे आ जाएगा ना, आपका फोकस उसी डिस्टेंस पे रहेगा और वो सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस अपीयर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहां मान लेते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, पोर्ट्रेट ले रहे हो, जहां आपका डिस्टेंस और सब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम है, वहां आप वन शॉट या AFS यूज कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां आप मूव करते हुए शूट कर रहे हो, या मान लेते हैं आप बर्ड की फोटो ले रहे हो जो फ्लाइट में है, वहां मैं सजेस्ट करूंगा आप AFC ऑटो फोकस कंटिन्यूअस या AI सर्वो को यूज कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आप जब तक हाफ बटन शटर प्रेस करके रखोगे ना, जो भी मूवमेंट हो रही है कैमरा उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करता रहेगा और वो मेक श्योर करेगा आपका जो सब्जेक्ट है वो फोकस में रहे। अब मैं एक ऐसी टिप देता हूं जो आपका शूटिंग बहुत फास्ट कर देगा, और वो ये है कि हर कैमरा के मेन्यू में ना एक स्टार बटन या फेवरेट का ऑप्शन होता है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस फेवरेट टैब में ना आप अपनी कुछ फेवरेट या मोस्ट यूज सेटिंग्स जो हैं वो डाल सकते हो। मान लेते हैं शूट विदाउट मेमोरी कार्ड हो गया, ISO लिमिट हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो आप कंटिन्यूअसली बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो ना, वो आप उस फेवरेट मेन्यू में डाल सकते हो। तो अब आपको बार बार मेन्यू में जाके अंदर अंदर जाके चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, आप इस फेवरेट मेन्यू से ही अपनी फ्रीक्वेंटली यूज सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, और एक्चुअली आपका जो शूटिंग स्पीड है, और अगर आप शूट पे हो, सेट पे हो, ये आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। अब ये जो टिप है ये आपको हेल्प करेगी स्पेशली जब आप लो लाइट या रात के टाइम, शाम के टाइम शूट करते हो ना, तो आपके कैमरा में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन या हाई ISO नॉइस रिडक्शन। मेरा सजेशन ये रहेगा इसको आप ऑफ पे रखो, क्यों, बिकॉज अगर आप ऑन करोगे ना, सबसे पहली चीज़ कैमरा प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगाता है, स्पेशली अगर आप स्लो कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो होगा कि आप एक फोटो लोगे आपको लोडिंग या प्रोसेसिंग दिखाता रहेगा। उसका मतलब है क्योंकि आप कैमरा से और काम करवा रहे हो, आप उसे बोल रहे हो नॉइस रिडक्शन अप्लाई करे, प्रोसेसिंग करे, जिसकी वजह से कैमरा टाइम लेता है, तो आपका शूटिंग टाइम बहुत स्लो हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो प्रोसेसिंग आपके हिसाब से शायद ना भी हो, तो आप ऑफ करके उसको शूट कर लो, एडिटिंग में अपने हिसाब से आप नॉइस रिडक्शन कर सकते हो। तो अब आते हैं थोड़ी सी वीडियो सेटिंग्स पे, और यहाँ पे भी मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा, स्पेशली अगर आप वीडियो शूट करना स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले और सबसे बेसिक है, आप कई बार आप ये देखोगे जब आप वीडियो शूट करते हो आपको फ्लिकरिंग दिखता होगा, ब्लैक बार जैसे मूव होती हैं अजीब तरीके से। इसका रीजन क्या होता है कि हमारे इंडिया में स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 Hz पे आती है, तो अगर आप अपना FPS उससे मैच नहीं कर रहे तो आपको फ्लिकरिंग दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप कितना FPS चूज करते हो। तो अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो, आप
आप इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर लाइट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हो, जैसे बल्ब या ट्यूब लाइट, तो वहाँ सजेस्टेड है कि आप 24, 25 या 25 के मल्टीपल्स के FPS यूज़ करो, जैसे कि 25, 50 या 100। जैसे ही आप 30 या 60 FPS पे जाओगे ना, आपको फ्लिकरिंग दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि फ्लिकरिंग क्यों आता है। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो या ऐसे वीडियो लाइट्स यूज़ कर रहे हो जैसे हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ फ्लिकरिंग नहीं होता, उस केस में आप कोई भी FPS यूज़ कर सकते हो। और ये चीज़ आपको सेटिंग में चेंज करनी पड़ेगी। आपको कई बार ये लगेगा कि यार नॉर्मली कैमराज होते हैं ना, वो डिफ़ॉल्ट 30 और 60 FPS दिखाते हैं, 25 FPS 50 FPS दिखता नहीं है। तो आपको सेटिंग में जाके अपने फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। NTSC में आपको 30 और 60 मिलेगा, PAL में आपको 25 और 50 मिलेगा, तो उस बेसिस पे आप अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अगली चीज़ वीडियो के लिए जो आपको सेट करना है वो है ऑडियो, और ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तो आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हो, जैसे हम ये वायरलेस माइक यूज़ कर रहे हैं, कैमरा के ऊपर माइक लगा रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल माइक है ना, ये सेटिंग आप चेंज कर लो। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको माइक्रोफोन की सेटिंग मिलेगी, वहाँ आपको ऑप्शन रहेगा कि आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हो मैनुअल। आप मैनुअल पे जाओ, अब जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं ना उसको एकदम जीरो पे ले जाके वहां से तीन या दो या तीन लेवल्स राइट पे लेके आ जाओ, और इसको आप अच्छे से जज और कर सकते हो कि आप जो भी माइक यूज़ कर रहे हो उस पर आप जिस टोन में बोलते हो आप वो बोलो, और देखो वो जो लेवल्स हैं वो मैक्सिमम येलो या ग्रीन तक जाने चाहिए। अगर वो ऑरेंज या रेड पे जा रहे हैं, मतलब आपकी जो ऑडियो वो पीक हो रही है, वो ख़राब होगी, वो ऑडियो क्लिप हो जाएगी, तो आपको उतने ही लेवल तक अपने माइक को लेके जाना है जहाँ पे वो मैक्सिमम येलो की रेंज या ग्रीन में ही रहे, तो ज़्यादा बेटर है। और ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जितना इसको बढ़ाओगे ना उतना आपके कैमरा के माइक की सेंसिटिविटी रहेगी, मतलब जो आपके कैमरा में भी माइक्रोफोन होता है ना वो ऑडियो पिक करेगा। तो एकदम जीरो भी नहीं करना, बिकॉज वो एकदम म्यूट कर देगा ऑडियो को। दो या तीन पॉइंट्स राइट को लेके आ जाओ, दैट इज़ गुड इनफ। अब अगर आप वीडियो शूट करते हो मैनुअल फोकस पे, या मान लेते हैं आपको खुद से फोकस एडजस्ट करना है या फोकस शिफ्ट करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्पेशली मिररलेस कैमराज में आपको मिलेगी, वो है फोकस पीकिंग। तो आप सेटिंग्स में जाके फोकस पीकिंग को एनेबल कर सकते हो। उसका बेस्ट यूज़ केस है जब आप मैनुअल लेंसेज यूज़ कर रहे हो, आपने लेंस को मैनुअल फोकस पे करके आप फिर शूट कर रहे हो ना, आपको ग्रीन रेड या येलो कलर में दिखेगा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो फोकस में है या नहीं है और कहाँ पे फोकस जा रहा है। और जैसे जैसे आप फोकस चेंज करोगे ना आपको वो कलर चेंज होता दिखेगा, तो जो एरिया फोकस में होगा वो आपको उस कलर में दिख जाएगा। इससे आपको हेल्प होगी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो फोकस में है या नहीं, वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो अगर आप मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहे हो ना, मैं एक बेस्ट टिप देता हूँ, बिकॉज मिररलेस कैमरा की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो अभी मैंने अपने कैमरा को इस हिसाब से सेट किया हुआ है कि जब तो मैं व्यू फाइंडर यूज़ नहीं कर रहा तो मेरे को LCD में डिस्प्ले दिखता है, जैसे मैं व्यू फाइंडर करता हूँ मेरा LCD ऑफ हो जाता है। तो इसमें आपको सेटिंग में जाके इसको बेसिकली ऑटोमेटिक पे सेट कर लेना है। उसमें क्या होगा, अगर आप कैमरा हटा रहे हो अपनी आँख से तो आपको LCD पे दिखेगा, जैसे ही आप व्यू फाइंडर पे लेके आओगे आपको व्यू फाइंडर में डिस्प्ले दिखेगा और LCD ऑफ हो जाएगी, जो एक्चुअली काफ़ी बैटरी सेव करता है। अब अगर आप अपने कैमरा में ध्यान दोगे ना, आपको कई कस्टम बटन्स मिलते हैं, और कस्टम उस पर नहीं भी लिखा हुआ तो काफ़ी बटन्स, अगर आप सेटिंग में जाओगे ना अपने कैमरा के, आपको कस्टम बटन्स का ऑप्शन दिखेगा जहां आप सेलेक्टिव बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो हो सकता है कि यहाँ मुझे एक बटन दिया हुआ है जहां पे स्टार बना हुआ है, तो मैं इसको डेडिकेट करना चाहता हूँ ऑटो फोकस का बटन, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कोई जैसे मिररलेस कैमराज में ना यहाँ पे ये डायल होता है, इसको आप अलग अलग फंक्शंस दे सकते हो। तो मान लेते हैं इसको मैं EV वैल्यू का देना चाहता हूँ, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। इससे क्या होगा, आप स्पेसिफिक जो टास्क हैं जो आप अभी तक कैमरा के अंदर से कर रहे थे, आप वो फिजिकली बटन से कर सकते हो, जो आपका काफ़ी टाइम सेव कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो हल्की सी टेक्निकल हो सकती है, बट ये काफ़ी यूज़फुल है। तो अभी जितने कैमराज आ रहे हैं ना, आप में सब देखोगे कोई कह रहा है कि 20 FPS, 30 FPS। अब ये जो 20 या 30 या 40 FPS होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक शटर से होते हैं। तो आपके कैमरा में ना दो तरीके के शटर होते हैं, एक होता है मैकेनिकल शटर, एक इलेक्ट्रॉनिक शटर। मैकेनिकल शटर क्या होता है, जब आप फोटो लेते हो ना आपको एक साउंड सुनाई देता है, तो वो क्या होता है, फिजिकल शटर है जो खुलता है और बंद होता है। अब क्योंकि वो मैकेनिकल पार्ट है वो एक लिमिट तक ही जा सकता है, उसको आप जो ओपन एंड क्लोज होने का जो टाइम है वो एक फिक्स्ड होता है। तो नॉर्मली आप उसको आइडियली 10 FPS से ऊपर ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैक्सिमम 15 FPS। बट अगर आप 30 FPS पे शूट कर रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक शटर का यूज कर रहे हो, तो आपको सेटिंग्स में ऑप्शन मिलता है कि आपको मैकेनिकल शटर यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक शटर। इलेक्ट्रॉनिक शटर आपको हायर FPS देता है, मैकेनिकल लोअर
FPS देता है, बट इलेक्ट्रॉनिक FPS में जाने का एक माइनस पॉइंट ये होता है, मान लेते हैं आप कुछ ऐसा शूट कर रहे हो जो सब्जेक्ट मोशन में है, जैसे कि अगर मैं इस लाइट को जल्दी से मूव करते हुए फोटोज लेता हूँ, तो आप देखना जो स्ट्रेट एकदम सीधी लाइट है ना, वो कहीं ना कहीं बेंड होते हुए दिखेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शटर में एक रोलिंग शटर इफेक्ट आता है जो मैकेनिकल शटर में नहीं होता। तो अगर तो आप ऐसा कुछ शूट कर रहे हो जहाँ आपको ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट आप मैकेनिकल शटर पे करो, इलेक्ट्रॉनिक शटर आपको हायर FPS देता है। अब लास्ट के जो कुछ टिप्स हैं उसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। अब एक टिप जो आपको इंस्टेंटली ऑफ पे रखना चाहिए वो है प्रीव्यू, जो आप फोटो खींचते हो। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने फोटो खींचा आपको डिस्प्ले पे प्रीव्यू दिख जाता है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो ना, इसमें क्या होता है आप फोटो खींचोगे आपको प्रीव्यू दिखेगा, आप उसमें ही ध्यान दोगे, हो सकता है कि आपको आधे एक सेकेंड बाद और इंपॉर्टेंट फ्रेम दिख जाए, स्पेशली एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर या वेडिंग या इवेंट फोटोग्राफर। तो आप प्रीव्यू में फोटो को इतना ध्यान दोगे कि आपके फ्रेम में क्या हो रहा है आप कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो प्रीव्यू को आप ऑफ रखो, फोटोज खींचते रहो, हाँ एक दो बार एक्सपोजर चेक करने के लिए आप देख सकते हो, बट अगर आप उसको ऑफ रखोगे तो आप इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आप एक्चुअल अपने सीन में अपने फ्रेम में ज्यादा अटेंटिव रह सकते हो। उसके बाद और कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं कि आप अपने स्पेशली मिररलेस कैमराज में ना आपको ग्रिड्स का एक ऑप्शन मिलता है और लेवलिंग का, उसको आप इनेबल कर सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल रहता है स्पेशली जब आप वीडियो शूट करते हो। अभी भी जब हम ट्राइपॉड पे कैमरा लगाते हैं ना, हम लेवलिंग ऑन रखते हैं ये देखने के लिए कि कैमरा हल्का सा लेफ्ट या राइट बेंड तो नहीं हो रहा। उससे क्या होता है कि वीडियो में क्रॉप भी आप करोगे तो कहीं ना कहीं फ्रेम थोड़ा कट जाता है। तो आप ग्रिड्स और लेवलिंग को एनेबल रख सकते हो ताकि आप शूट करने से पहले ही देख सको कि भाई आपकी फ्रेमिंग कैसे हो रही है। सेकेंड लास्ट सेटिंग जो है वो है HDR मोड। सबके कैमरा में आजकल HDR मोड रहता है, मैंने भी शुरू में बहुत यूज़ करा है। बेसिकली वो करता क्या है, आप HDR मोड को जब एनेबल करोगे ना, बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, तीन फोटोज़ लेगा जीरो एक्सपोजर वैल्यू पे, -1 और +1 पे, और उसको कंबाइन करके एक HDR फोटो दे देगा। तो कैमरा अपनी प्रोसेसिंग लगा के आपको एक HDR फोटो देता है, बट देखो उसके दो साइड्स हैं, एक जो फोटो आपको मिलता है बना बनाया वो उतना बढ़िया नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप HDR मोड जब एनेबल करते हो, वहाँ एक ऑप्शन भी रहता है कि सेव इंडिविजुअल फोटोज़, तो अगर आप वो एनेबल कर दोगे ना तो आपको वो तीन इंडिविजुअल फोटोज़ भी मिलेंगी और चौथी HDR भी मिलेगी। तो उन तीन इंडिविजुअल फोटोज़ को लेके आप खुद से Lightroom में अगर आप एडिट करोगे ना, वो ज़्यादा बेटर HDR निकल के आएगा एज़ कम्पेयर टू जो आपको अपना कैमरा देता है। अब आते हैं आखिरी सेटिंग पे जो है इमेज स्टेबलाइजेशन। कई बार ये होता है कि जब आप वीडियोज़ बना रहे हो, फोटोज़ बना रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि शेक आ रहा है, स्पेशली फोटोज़ में आपको लो लाइट में शेक बहुत ईजिली दिखता है। ऑल दो आप वो शटर स्पीड से एडजस्ट कर सकते हो, बट आपके कैमरा और लेंस में भी ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले लेंस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा ऑन एंड ऑफ का। तो अगर आप इसको ऑन पे रखते हो ना, तो लेंस के अंदर बेसिकली जो ऑप्टिक्स होते हैं ना, वो स्टेबलाइज करते हैं आपकी मूवमेंट को। तो अगर आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो, उसको ट्राई करेगा जो आपकी कैमरा शेक है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। वही अगर आप अपने कैमरा में स्टेबलाइजेशन ऑन करते हो ना, वो भी फर्दर आपकी स्टेबलाइजेशन को बेटर कर देता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आप ट्राइपॉड पे यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरीके की स्टेबलाइजेशन को ऑफ कर देना, चाहे वो लेंस हो या कैमरा हो, फोटो लेते हुए वीडियो में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप हैंडल शूट कर रहे हो, इट्स बेटर कि आप स्टेबलाइजेशन को ऑन कर दो, बिकॉज उससे आपकी फोटो में जो शेक है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो ये थे कुछ 20 कैमरा सेटिंग्स जो मुझे लगता है आपको एज अ बिगिनर फोटोग्राफर हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आपने नया कैमरा लिया है। ये 20 सेटिंग्स आप चेंज करके अब और ज्यादा अपना टाइम सेव कर सकते हो, बेटर एंड शार्प फोटोज ले सकते हो एंड इवन वीडियोस। तो आप कमेंट करके बताना इनमें से कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको अभी तक नहीं पता था और कहीं ना कहीं आप चेंज करने के बाद आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है। मैं मिलता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके साथ आगे। और अगर आप मेरे कोर्सेज एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मेरी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे ऑलरेडी कुछ कोर्सेज हैं जो रन हो रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।